नहीं बानी राखी, दो हमारी राखी। अरे अरे परी क्या कर रही है, पागल हो गई का? राखी का है खोल रही है। अरे भैया को देखो मम्मी, 50 रुपीज में निपटाना चाहते हा? मम्मी प्याज भी 80 रुपए किलो हो गए हैं, 50 रुपीज में कुछ नहीं आता अब। अगर इसका गुस्सा बढ़ गया ना तो रनिया के सामने ही पुराने पुराण खोल देगी ये लड़की। परी ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटा, ऐसे अपशगुन होता है ना, भैया को राखी बांधते हैं। मैं तुझे पैसे दे दूंगी, ठीक है ना, बाद में पैसे मिल जाएंगे, अभी तू राखी बांध दे, वरना भैया तेरा ख्याल कैसे रखेंगे, तेरी सुरक्षा कैसे करेंगे। प्लीज मम्मी प्लीज, रक्षा वक्षा की बात तो करो मत, इनके लक्षण देख के लग रहा है कि हमें इनकी रक्षा करनी पड़ेगी, ये हमारी रक्षा क्या करेंगे। परी तू क्या तरीका अपने बड़े भैया से बात करने का? हाँ देखो ये बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता रहे हम। मम्मी जी ये सही बात है, कोई भला अपने बड़े भैया के मुंह पे ऐसे पैसे फेंकता है? परी ये अच्छी बात नहीं है। अरे भगवान जी ने तुम्हें बड़ा भैया दिया तो उसकी कद्र करना सीखो। उनसे पूछो जिनके भाई नहीं होते, उनकी जिंदगी में क्या कमी रह जाती है, बता रहे हम। ओह जबरदस्ती की भाभी, ज्यादा ज्ञान तो हमें दो मत, और आज के बाद ऐसे उंगली दिखाकर बात करनी ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। मम्मी तुम तो अपने डियर बेटे को खूब पैसे देती हो, और आज जब हमें पैसे देने की बारी आई तो भैया की आंटी से पैसे नहीं निकल रहे। गॉड्स, हमारे किस्मत में लिखा था ऐसा भाई, खबरदार परी। अगर अमित जी के बारे में एक भी शब्द अगर मुंह से निकला तो अच्छा नहीं होगा। अरे ओ बहुत सुन ली तेरी बकवास, चुप हो जा। तुम्हें नेक चाहिए ना, ये लो। ये नकली, तुम्हारी तरह ये भी नकली होंगे, हमें नहीं चाहिए, लो। ये तो साबित कर दिया आज तुमने कि तुम्हें असली और नकली की पहचान ही नहीं। ओ ज्ञान पांडे जी महाराज, तू तो अपने सारे जेवर हमें दे चुकी थी ना, फिर ये कहां से है? मम्मी जी हमने दिए नहीं थे, आपने रख लिए थे। वो जो भी है तुम परी को ज्यादा ज्ञान मत दो, क्या असली है क्या नकली है तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार है वो। अमित जबान रोक ले इसकी, ऐसे इसकी जबान चलती रही ना इसके दिमाग के जो घोड़े दौड़ रहे ना यहीं के यहीं रोक देंगे। सुनो रानी बता रहे, मुंह बंद रखो तुम, समझी? तो पंचायत चल रही है क्या, सरपंच बन रही हो यहाँ पे? हमारे घर का मामला है, हम लोग निपटा लेंगे। अमित जी हम तो आपका ही पक्ष ले रहे थे। हमारा पक्ष लेने वाली होती कौन हो तुम है? हम आपकी धर्मपत्नी। अरे धर्मपत्नी धर्मपत्नी यार, हजार बार समझ चुके हैं, काहे की धर्मपत्नी है? हमारे घर का मामला ये, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है तुमको। छोड़ो ना अम्मा जी सब, हमारी बात सुनो। ऐसा ना करो, हम तो बहुत भड़बड़ा गए हैं भैया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कसम दे रहे हैं आपको, ऐसा मन मत करो जी, छोड़ दो अपनी, हम मर जाएंगे। नहीं बड़ी मोटी चमड़ी है तो कुर्सिया, तो ऐसे नहीं मरेगी, बस तुम्हें परमिशन दे दे तो हम अपना सामान यहाँ रखी के ना, नहीं तो बाहर लेके जाते। जी 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 क्या कर रही है, अब तो चौड़ी होके बोल, हिचकिचा काहे रही है? हम अपना सामान यहाँ रखे के हम बाहर जाए? नहीं नहीं, बाहर जाने की कोई जरूरत ना है, आप इधर ही रहो। हम आपको बोलो ना क्या करना है, हम साथ देंगे आपका। चलिए वो हमारे साथ देंगे, तो ये सब गैस दाल चावल थोड़ा समेट के बाहर ले आ। बाहर का है? नहीं हम सब समझ देंगे, लेकिन बाहर जाने की ना जरूरत ना है। तो फिर से मुकर रही है, तूने कहा ना कि हम सामान बाहर ले जाए, कि नहीं तूने कहा हम अपना सामान यहाँ रखे, हाँ बोल। अच्छा ठीक है चल लेके जा रहे बाहर सामान। नहीं हमने बोला कि आप सामान इधर रख दो। देख अब हम फिर से दोहरा रहे बात, ताकि तू समझ जाए कि हम कहा समझे, तूने कहा बाहर जाने की जरूरत ना है। हाँ
हम अपना सामान यहाँ रखे। हाँ और खाना भी बनाए। आप काहे खाना बनाएंगी? क्या बोल रही हूँ, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है, तो क्या बोल रही? अच्छा ठीक है, आप बस हमको ये बोल दो, आपको जो करना है करो बस। पर तुमसे कौन मतलब नहीं? नहीं हम ये कह रहे कि हमसे क्या गलती हो गई, हम सुधार लेंगे ना। तू सुधार ली अपनी गलती, चल अब तू जा बाहर झूले पे छू। हाँ झूले पे बैठने की आदत तो डालनी ही पड़े है। नहीं अम्मा जी। नहीं नहीं बोल रहे ना, जा तू जा, जा बैठ झूले पे। और हम अब फिर से ई देख ले है, हमने तुझसे परमिशन मांग ली, तूने परमिशन दे दी ना कि हम बाहर जाने की जरूरत ना आई, हम अपना सामान यहाँ रखे, हम अपना खाना बना सकते, परमिशन दी तूने। बोल ना गुजिया। बोल रहे हैं कि आप जो सुविधा के अनुसार आपको ठोक करता है करो। जा 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 जा। बहुत ही वक्त लगाती है। देख हे राम जी, अपरंपार तुम्हारी लीला, ये देखो कैसा जमाना आ गया है। बहू बोलती है रहो अंदर, खाना अंदर पकाओ, कोनो मतलब ही नहीं, उसको परमिशन दे दी, हमका परमिशन दे दी, का हाल हो गया है। और इनकी फोटो भी नहीं टंगी हाल देखने के लिए, अब तो बस रगवा आ जाए और देख ले कि का हालत में रह रही उसकी अम्मा अपने ही घर में। मम्मी हम तो नानी के यहाँ जा रहे हैं, शिवम भैया की बहुत याद आ रही है हमें, उनको राखी बांधेंगे ना तो बहुत नेक देंगे हमें। रुक जा, ऐसे त्योहार का दिन कड़वा मत कर, अपने भैया का हाथ सोना छोड़ के जाएगी? नहीं नहीं राखी बांध के जाओ बेटा, नहीं नेक मिल जाएगा तुम्हें, तुम काहे चिंता कर रही हो हम, है ना। चलो राखी बांधो, राखी बांधो बेटा, चलो राखी बांधो बेटा, चलो। अच्छा मम्मी आप कह रही हो तो बांध देते हैं। माफ कर दे, माफ कर दे। और ये तब वापस मिलेंगे जब 500 रुपीज दोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, चल जा। अरे परीदी कहाँ जा रही हो आप, भाभी को भी तो राखी बांधनी है। ठीक है पहले आप उन्हें राखी बांधो, बाद में चले जाना। भाभी भाभी माय फुट्स। अब इसे किस बात की राखी बांधनी है? मम्मी भैया और भाभी दोनों को राखी बांधते हैं ना? नहीं बांधते हैं ना, हमारे ऐसा कोई रिवाज नहीं है। इसे भी लगा दे अमित का खून पीने की लाइन में। सुनो तुम एक मिनट रुको, ये राखी फेंक गई। जी भाभी ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए नेक। मम्मी जी ये नेक हम सोनल को देना चाहते हैं, अच्छा होगा कि आप बीच में मत पड़िए। हमारे घर में हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये तुम हमें बताओगी? नहीं मम्मी जी हम तो बस हम तो आपकी बहू हैं, भला हमारी का औकात कि हम आपको कुछ बताएंगे। तुम्हारी औकात तो तुम्हें हम दिखाएंगे रानी, हमने तुम्हें ढील दे रखी है, इसका मतलब ये है कि तुम हमारे सर पे चढ़ के नाचोगी। चुप, तुम चिल्लर है ना, ये हमें मत दिखाओ। जाओ तुम्हारी पेटी में जितना भी पैसा है सब लाके यहाँ इस टेबल पे रखो, शाम तक याद रहे वरना त्योहार के दिन हमारे तेवर देख लेना। एक बात और बता दें, ये घर भी शांति सदन की तरह चलता है और यहाँ की अम्मा हम हैं, समझी? बिटिया क्या करोगी शाम तक? पैसे टेबल पर रख देंगे। पैसे नहीं सारे पैसे। जी मम्मी जी रख देंगे। अरे सोनल बेटा हमारा पर्स नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ देना बेटा। जी पापा। मम्मी
सुनो, तुम्हें शांति सदन जाना है तो जाओ, हम नहीं जा रहे हैं। तुम पागल हो गए हो का? हम का कहेंगे वहां जाके अम्मा से? अरे बोलना मर गया हमारा बेटा। अमित तू पागल है का? त्योहार के दिन तू कैसी बातें कर रहा है? पूरा सामान लेकर आई है रसोई का, अनाज सब्जी खुद ही बनाएगी खाना कह रही है। ऐसा क्या कर दिया हमने? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहे कर रही है अम्मा जी ऐसा? क्या काम? माँ माँ क्या हुआ? माँ अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। पानी दे जल्दी से। अच्छा जल्दी जा। आप टेंशन मत लो, तबीयत खराब हो जाएगी। कई दादी ने ये सब तैयारियां पापा को दिखाने के लिए तो नहीं किया? कुसिया की गृहस्थी तो हमने सजा दी, अब उसकी बहू की खबर लेते हैं। इमरा फोन कहां गया? अब कुछ नहीं यार, बस सोच रही थी कि जो हुआ ना वो होना नहीं चाहिए था। मतलब शिवम को यहाँ नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं, मतलब घर वालों ने जो देखा ना उन्हें वो देखना नहीं चाहिए था। अरे यार अंकल और बाकी सबको तो यही पता है ना कि शिवम सुबह यहाँ आया था। अच्छा हुआ किसी ने तुम दोनों को साथ में सोते हुए नहीं देखा। हाँ वरना सिचुएशन एम्बैरेसिंग हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना, तू बच गई तो जस्ट चिल यार। ऐसे थैंक यू, तेरी वजह से हम लोग बच गए। अगर तू हमें जगाती नहीं ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती बंटी। कितना एम्बैरेसिंग होता ना अगर सबको पता चल जाता, हम लोग कैसे फेस करते सबको। अरे आप अभी तक नहाए नहीं? नहीं क्यों? अरे जल्दी रेडी हो जाओ ना। और विजय जी ने आपको पैसे दिए होंगे? शिवम पैसे क्यों देगा, वो भी रक्षाबंधन के लिए। दीदी वो रक्षाबंधन है तो आप मुझे राखी बांधोगे ना, तो आप मेरे को थोड़े पैसे दोगे ना वो मिठाई के लिए। सुन, रक्षाबंधन में भाई बहन को गिफ्ट देता है तो मैं तुझे गिफ्ट क्यों दूंगी? टेक्निकली यू आर राइट, बट फाइनेंशियली आई एम वीक, तो एनी विच वेज आप मुझसे बड़े हो ना और मैं आपसे छोटा हूँ। आप कमाते हो, मैं नहीं कमाता, तो आप दे देना ना दीदी। तो पागल है साहिल, टेक्निकली नॉन टेक्निकली फाइनेंशियली या तेरे कोई भी लॉजिक, आज सब फेल है क्योंकि आज हम ट्रेडिशन फॉलो करेंगे और ट्रेडिशनली आज भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, तो तू जा और जाके मेरा गिफ्ट और पैसे दोनों रेडी रख। ओके? लेकिन समझाना यार। अरे अब दादी। हेलो, प्रणाम दादी जी। जीती रहो, कैसी है हमारी बहुरिया? अब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? रात को ठीक से सो नहीं पाए, दो बार ठिटक के उठ गए, ऐसा लगा जैसे तू हमें आवाज दे रही है। अरे दादी जी मैं तो भूल ही गई, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, अभी अभी कैसा लग रहा है आपको, आपने आराम किया? वो तो है पर पलंग तोड़ने से आराम थोड़ी मिलता है, तुझसे बात की ना तो अब अच्छा लग रहा है। सास से बात हुई? हाँ जी दादी जी, मेरी बात हुई थी उनसे, इनफैक्ट कल ही हुई थी। उसको तो कितने घंटे गुजर गए, पर कहा है हमारी कुसिया की आवाज फोन में ज्यादा निकलती ना ही, तो हमने सोचा चल हम ही का प्यार लेते हैं। हमारी याद आ रही है कि नहीं? हाँ दादी जी बहुत याद आ रही है, आपकी भी और सब। तो फिर उड़ के आ जा, तुम्हारे बिना हमारा मन ना ही लग रहा। मन तो हमारा भी नहीं लग रहा है, मन कर रहा है कि जल्दी वापस घर आ जाए। देख बातों बातों में भूल गए काय फोन किया था, वो का है कि आज शादी के बाद का पहला रक्षाबंधन है ना तुम्हारा, तो आशीर्वाद देने फोन किया था। थैंक यू दादी जी। आशीर्वाद तो देने दे, फिर थैंक यू बोल। दूधो नाओ पूतो फलो है, हमेशा हंसती रहे हमारी बहुरिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, रक्षाबंधन की तैयारियां हो गई? पूरी तो नहीं हुई पर हमने शुरू कर दी। तो कल है ना, अपने पापा से जो भी खरीदवाना हो ना खरीदवा देना, हैं? पैसे हम दे देंगे। का है शादी के बाद हर त्योहार का महत्व बहुत बढ़ जाता है,
जब पहली राखी के लिए हम गए थे ना मैके, हमारे पिताजी ने तो हमें गहनों से लाद दिया था, सर से लेके पांव तक। तुम्हारे दादाजी तो चौंक ही गए थे। अच्छा बौरिया, ख्याल रखना है अपना, और जल्दी आ जाना, इंतजार रहेगा तुम्हारा। कहाँ रह गई? चिल्ला, जल्दी जल्दी दे, ये लो। कितनी भारी है, तुम्हारे पापा भी अभी आते होंगे। ये लो, इतना बतिया लिया फोन पे, फिर भी रघुआ नहीं आया। हाँ क्या मम्मी, आपने सुना? दादी जानबूझ के भाभी से जोर जोर से बात कर रही थी हमें सुनाने के लिए। मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दादी जरूर कोई ना कोई ड्रामा करने वाली है। मम्मी मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। सच कह रही हूँ, तुम्हारे शादी ना बहुत बहुत दूर करा देंगे हम। सच कह रहे, करवा दो, कौन रहना चाहता है यहाँ पे? ये हर रोज के नए नए ड्रामे से ना मेरी तो जान ही आधी हो गई है। तुम्हें हालत देखना माँ की, भैया भी कहाँ रह गए एक तो। मैं उन्हें उनके कुछ दोस्तों को जानती हूँ, उनसे पला करते रुको। आप ज्यादा विचार मत करो माँ, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे पापा को फोन लगाओ, उनको पहले से ही कुछ समझा देंगे। हाँ हाँ, बोल देंगे कहाँ हो रहा है, लेकिन कभी तो फोन नहीं लग रहा। अरे श्रीमती जी, पागल हो गई हो क्या? एक तो वो हमें राखी बांधने आई है, और तुम हो कि उसे अंदर आने नहीं दे रही हो। हटो। कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया, अगर इन्हें इतनी समझ होती तो आपकी गृहस्थी ऐसी होती क्या? भाभी दरवान की तरह 5 मिनट से खड़े हैं। अरे रक्षाबंधन है, अंदर आने दो, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे श्रीमती जी, क्यों पाप की भागी बन रही हैं? बहन भाई को राखी बांधने में अड़चन क्यों डाल रही हैं आप? अरे तुम बीच में मत बोलो ना, हमें पहले इस बिंदु को संभालने दो, उसके बाद जो बंधवाना है बंधवाते रहना। भैया आप परेशान मत हो, ये ननद भाभी की बात है, और वैसे भी हमें अपनी भाभी को संभालना अच्छे से आता है। हमें बाद में संभालना, पहले ये बताओ कि बिना बुलाए और बिना बताए यहाँ आई क्यों हो तुम? हैं? कि तुम्हारे भैया तो आ ही रहे थे ना तुम्हारे यहाँ रक्षाबंधन करने। अरे भाभी, वो बिना निमंत्रण के आने का मजा ही कुछ और होता है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, वो क्या कहते हैं? सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज देने हम तो आए हैं। सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज होता है सरप्राइज, और सरप्राइज नहीं सजा देने आई हो तुम। मालूम है ना तुम अपने भैया को लूटने के लिए आई हो। अरे नहीं नहीं भाभी, हम कोई लूटने उठने नहीं आए हैं। वैसे तो भाभी का फर्ज होता है ननद को अपने घर बुलाने का, अब ऐसे ही खड़े रहे कि अंदर भी बुलाओगी? जो आरती वारती करनी है ना यहीं से कर लो, काहे कि अंदर तो हम आने नहीं देंगे तुम्हें। देखो भाभी, अगर नहीं आने दी ना तो हम सच्ची कहते हैं पुलिस को बुलाएंगे, और पुलिस को कहेंगे कि मेरे भाई को राखी नहीं बांधने दे रही है। मैं मम्मी जी मान जाइए ना, कल पुलिस ने आपको पूरे मोहल्ले के सामने घसीट के ले गई थी, याद है ना आपको? है दया, पुलिस आई थी का? भाभी ऐसा क्या कर दिया तुमने जो पुलिस घर आ गई? मुंह बंद रखो ना। कौन सी पुलिस? किसने का पुलिस आई थी? है? कौन बोला? कोई पुलिस पुलिस नहीं आई थी, कान बज रहे का? अभी दिमाग सही हुआ है, अंदर आए कि नहीं आए? अरे बहुरानी आओ, हम लोग राखी का पूरा इंतजाम करते हैं। हमें अम्मा के घर जाना है, और यहाँ ये पनौती पधार गई। आरती की थाली सजा के लाओ और चटाई बिछाओ, और मैं ना ये मिठाई का डिब्बा लेके आई हूँ, इसको भी सजा के लेके आओ। जी बुआ जी, हम तैयारी करते हैं। सुनो आओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।